राधे राधे दोस्तों, हैप्पी शाद, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं फिर से पांचवें अध्याय गीता का पाठ करने जा रही हूँ, जिसे मैं शेयर करूँगी। आपके भी पितर खुश, मेरे भी पितर खुश, इनको कैसे संतुष्ट करें। तो बस सीधा सा, कुछ भी तो नहीं करना, हमें कुछ भी तो नहीं मांगते, ये तो गंध स्वीकार कर लेते हैं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। भोजन तो हम ही खाते हैं, जो बाहर रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, या जो जॉब पे जाती हैं नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती। सिर्फ जल के लोटे में, जो सूर्य भगवान को जल देना होता है, जल से तर्पण होता है इनका, उसमें तिल डाल लें, दूध डाल लें, थोड़ा शहद डाल लें, और फूल, तुलसी के पत्ते, और कृष्ण का, नारायण भगवान का नाम लेके सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, और पितृ देवता सारे खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। सिर्फ जल से ही खुश हो जाते हैं, जल से ही तो तर्पण करते हैं, जल से ही खुश हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए खाना, खाना खाने कौन आता है, ये तो परमात्मा हो जाती हैं, आत्मा से परम बन जाती हैं, परमात्मा में मिल जाती हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बच्चों में हमारे लिए श्रद्धा है कि नहीं है, श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। हमें इन दिनों, हमें पता है हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, तो हमें याद रहता है आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आज हमारे जेठ जी का, आज देवर जी का, आज ऐसे याद रहता है। तो उसी श्रद्धा को ये स्वीकार कर लेते हैं, राम 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 राम, नारायण भगवान को अर्पण, नारायण भगवान को अर्पण करना चाहिए। पहले तो इन्हीं के पेट के अंदर तो सारी आत्मा रहती हैं, इनको हम खाना खिला दें, मानसिक रूप से खाना खिला दें, भोजन करा दें कि हमने तो खीर खिला दी आपको, हमने तो पेड़े खिला दिए आपको, श्राद्ध के दिन हम तो आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम तो आपकी और कृष्ण की, अर्जुन की गीता रोज पढ़ रहे हैं, इसी से खुश हो जाते हैं। बस भाव अच्छा होना चाहिए। तो राम राम जप लें, राम में तो महेश जी की भी पूजा हो जाती है, भोले बाबा की, और नारायण भगवान की भी हो जाती है, दोनों खुश, दोनों खुश तो सारे पितर देवता खुश। क्योंकि राह तो दोस्तों नारायण का तो राह है, राम जी का नाम देखो कितना प्यारा रखा है गुरुओं ने, नारायण का तो राह है और महेश का मां राम, जब तो कहते हैं दो अक्षर का नाम है, प्यारा प्यारा नाम है, मीठा मीठा नाम है, तारन हारा नाम है, राम राम सबसे अनोखा नाम है, सबसे अनोखा नाम है, सबसे अनूठा नाम है, मिश्री मिश्री नाम है, लड्डू लड्डू नाम है, राम 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 राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनमत दे भगवान, राम 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 राम। दोस्तों अधिकतर अपने मम्मी पापा बहुत से ऐसे, मेरी माँ तो आर्य समाजी थी, कभी भी कुछ बोल देती थी, कभी भी कुछ बोल देती थी, कभी तो कृष्ण भगवान को राम जी को कहती थी भगवान है, कभी कहती थी नहीं ये तो नर थे और भगवान तो विष्णु भगवान है, तो नारायण तो कहती थी मन मन में गीत गाओ, मन मन में भजन करो, जोर से मत बोलो, वो बहरे नहीं हो गए, ऐसे ऐसे बोलती थी, कभी कहती थी जोर से बोलो। तो इनको ध्वनि बहुत पसंद है, नारायण भगवान को हमारे सभी धर्म में ध्वनि पसंद है, सभी इतनी जोर जोर से इसलिए तो पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जो नारायण भगवान है, जो नारायण का मतलब जो जल के अंदर रहते हैं, उनको समुद्र की जो तरंगे होती हैं उसकी कल 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 बहुत पसंद है, उनके कानों को बहुत अच्छी लगती है वो ध्वनि। और
तो इसीलिए हम शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं जोर जोर से, जिससे उनको कानों को अच्छी सी आवाज जाए, उनके कानों को उन्हें पता चले मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं, मीठी आवाज में गा रहे हैं। जैसी भी आवाज है हमारी, जैसे भी स्वर है, अब ये सब तो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, कौन इतना अच्छा गाना गा सकता है कौन, लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं, रिझा सकते हैं अपने गोविंद को, अपने नारायण को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे मणि सुदन हरे घनश्याम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे घनश्याम, ये मैं गीता का पाठ जो डेली करती हूँ, वो सब मेरे पितरों को भूले बिछड़े और भीष्म पितामह और सभी देवताओं जो हमें अपनी संतान मानते हैं, सब के निमित्त में ये पाठ कर रही हूँ। और जो मेरे सुनने वाले यूट्यूब फैमिली के हैं, सब पर कृपा बरसाएं, आप सबको पितरों को संतुष्ट करें। तो मैं अब पाँचवा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ दोस्तों। हरे कृष्णा कीर्तन से ना कान्हा कृपा करते हैं तो अच्छा सा पाठ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, पांचवा अध्याय महात्म सहित, कि हे कृष्ण जी, हे केशव, हे माधव, पहले तुमने कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। हे प्रभु, हे वासुदेव, इन दोनों में जो अधिक हितकर है कृपा कर वो है एक बात निश्चय करके कहो। अरे गोपाल, हे गोविंद, मेरा श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो ऐसा जानता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता और न ही किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और कर्म योग को अलग अलग बताने वाला अज्ञानी जो इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो स्थान प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग को तू एक ही जान। कर्म योग करने वाले साधु जन को ब्रह्म प्राप्त होने में देर नहीं लगती। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या हुआ समझता है कि जो आत्मा है वह कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, कान मतलब सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जिभ्या स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पांव चलते हैं, देह सोती जागती है। जो ये समझते हैं कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती हैं और मैं जो आत्मा राम हूँ, मैं अकड़ता हूँ और इन सबसे अलग हूँ, जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस मनुष्य को किसी कर्म किए का दोष नहीं होता। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी
वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, योगी जन मन बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। तो मतलब ये हाथ आंखें देख रही है, ये सब जो कर रही है ये सब काना करा रहे हैं। हमारी आत्मा का काम है बस उसे याद रखना, उसे याद करना, और जो कुछ भी हमारे द्वारा हमारे हमारे हाथ से हमारी आँख से हमारे शरीर से जो कुछ भी हो रहा है सब हम उसके निमित्त करें। कृष्ण कृष्ण करा रहा है, कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही करवाने वाला है, हम कुछ भी नहीं है। तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ सकते, और हमें कोई फल या अफल मतलब फल अच्छा मिले या गलत मिले उसकी कोई परवाह नहीं है। ये कृष्ण ने कहा है कि बंधन में पड़ जाता है वह कर्म की इच्छा के बंधन में इस मोक्ष रूपी शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है, जो मतलब ये सोचता नहीं है कि वो सोचता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर अच्छा काम वो कर रहा है तो गलत भी वो ही कर रहा है, क्योंकि अच्छे काम तो मैंने करें। और जैसी हमारे साथ कोई बुरी घटना होती है, हे गोविंद तूने क्या कर दिया, हे कृष्ण तूने क्या कर दिया, हे कृष्ण अरे जब अच्छे काम हमने करे हैं, ये बंगला हमने बनाया है, बच्चों को हमने पढ़ाया है, इतना धन हमने इकट्ठा किया है, तो बुरा काम किसी ने कैसे कर दिया, वो भी हमने किया है। ये सब सोचना चाहिए, अगर बुरा काम किसी ने करा है तो अच्छा भी किसी ने किया है, सब कुछ उसी को निमित्त करना चाहिए। हे अर्जुन अब यह सुन, सदा सुखी कौन है, जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है इंद्रियों के वश में नहीं है वह सदा सुखी रहता है। अब मेरी माया का स्वभाव सुन। दोस्तों माँ बाप अधिकतर दादी नानी पहले से ही हमेशा से ये कहती आई है, कहती ने बुढ़िया कहती है सच मगर सुनता कौन है, कि माँ हम कौन सा काम करें कौन सा सही है। बेटा अपनी आत्मा से जो मन में तुम्हारे दो बार क्वेश्चन आते हैं, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, जो सही बोल रहा है, जो जिसको हम बार बार स्वीकार कर रहे हैं कि इस काम को करना चाहिए वो ही करना चाहिए, सब कुछ अंदर पता चल जाता है कि हम क्या गलत करने जा रहे हैं क्या अच्छा करने जा रहे हैं। हे अर्जुन अब यह सुन कि सदा सुखी कौन है, जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है इंद्रियों के वश में नहीं है वह सदा सुखी रहता है। अब मेरी माया का स्वभाव सुन, मैं इस संसार को उपजाता हूँ, यह सारा संसार मेरी माया का खेल है, और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं। मैं ना किसी से पाप कराता हूँ ना पुण्य कराता हूँ, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं ही मोहित होते हैं और मोह में पड़े पाप कर्म करते हैं, मगर जो ईश्वर को न्यारा और निर्लेप ऐसा जानते हैं कि वो कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। मुझे न्यारा निर्लेप समझकर जो मेरी शरण में आए, जिसका रोम रोम मुझ में रमा हो, हे अर्जुन मेरा वह भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है, जो साधु में ब्राह्मण गौ हाथी स्वान अर्थात कुत्ता और चांडाल ऊंच नीच सबको एक समान समझता है, ऐसा समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू सब बंधनों से मुक्त हुआ जान, ऐसे स्थिर वाले बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्म वेत्ता को स्थिर जानो, ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और अंतःकरण को ब्रह्म में मिला अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। वह इंद्रियों के भोगों में नहीं रमता, क्योंकि इंद्रियों के भोग तो दुखों को उपजाने वाले हैं। ऐसे लोगों का आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे लोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण और मोक्ष को प्राप्त करता है होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसा योगियों को ब्रह्म निर्माण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध
जिनमें नहीं है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों को संयोग से अलग रहकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा और भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। तो हमारे हम छोटे छोटे थे तभी हमारी माँ ने हमारे हमको सबको बहन भाइयों को गुरु मंत्र दे दिया था। तब गुरु जी ने हमें उस समय कहते थे सत्संग में आओ, तो हम छोटे बच्चे कौन सत्संग में जाएगा, पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। तो बस दो बातें बताई थी गुरु जी ने कि कोई ज़रूरत नहीं है कि नहाना धोना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब झूठा मुँह है कैसा, लेकिन तुम बस ध्यान करो, यहाँ पर बिंदी की जगह ध्यान करो, यहाँ राधा के चरण रहते हैं और इस मंत्र को जाप करो, सारी परेशानियों से ये मंत्र तुम्हें दूर निकाल के ले जाएगा, सारी समस्याएं कैसे हल हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। तो उस समय तो हमने बस ये हमें पढ़ाई करनी है, हमें आगे पढ़ना है और बढ़ना है आगे, तो पढ़ाई के उद्देश्य से ही हर समय मंत्र का जाप करते थे अंदर ही अंदर कि ये हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगा मंत्र। मंत्र से धीरे धीरे जपते जपते गुरु ने ऐसी कृपा करी कि कृष्ण का नाम दे दिया। कोई पूजा नहीं करते थे, कोई दिया नहीं जलाते थे, दिया जलाना नहीं आता था, और जब पूजा करनी शुरू करी तो हम और माँ और दोनों कहते थे चलो आरती करते हैं, तो दोनों हंसते थे। तो वो आर्य समाधि थी, उनके हवन होता था, हमने कभी पूजा देखी नहीं, बचपन में अलग रहे माँ बाप से पढ़ाई की वजह से, तो हंसते रहते थे। भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है, उसे दिया जलाना नहीं आता, उसे आरती करनी नहीं आती, उसे पूजा करनी नहीं आती, उसे घंटा बजाना नहीं आता। ऐसे ही करते करते गोविंद ने थोड़े थोड़े गीत गाने भी सिखा दिए अपने आप ही, सोते सोते भजन गा रहे हैं। तो यही सब कृपा करते हैं और ये कृपा गुरु के कारण होती है। गुरु हाथ पकड़ के इनके हाथ में दे देते हैं कि हे कृष्ण, मैंने इस अपने शिष्य को शुद्ध कर दिया है, नहला के पावन कर दिया, अब ये आपकी शरण में, अब आप इसकी ध्यान रखिए, आप इसका हाथ नहीं छोड़ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो रोम 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 कृष्ण में हो जाए, राम में हो जाए, ये शरीरी देवालय बन जाए, ये शरीरी मंदिर बन जाए, कहीं मंदिर जाने की जरूरत ना हो, घर में किसी भी समय सोते सोते भजन करें अपने, तो जो खाली समय दिन में सारे दिन काम करते रहते हैं कहाँ टाइम मिलता है माला जपने का, सुमनने का। तो सोते समय जब आपको गहरी नींद आने वाली हो तभी आप मंत्र का जाप करें, तो आप तो सोते रहेंगे गहरी नींद में और आपकी सांसें चलती रहेंगी कृष्ण के नाम जपते जपते, सुबह को आँख खुलेगी आपकी। राम नाम, राम नाम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया ये बदन, देवाले बन गया ये बदन, देवाले हो गया ये बदन, संत तो महंत हो गया। राम नाम प्रेम नाम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दोस्तों महात्म सुना रही हूँ, महात्म सुनना बहुत जरूरी है, महात्म से ही, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपने शिष्यों से बच्चों से कि ये पाठ याद कर लो, यही आने वाला है, इसे हमारे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो दो सारे बच्चे पहले उसको याद करते हैं कि इसमें ज़्यादा मार्क्स, इसमें कंप्लीट मार्क्स कटते नहीं है, तो वो ही करते हैं। ऐसे महात्म सुनने से हमें पता है कि इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या फल मिलेगा, तो महात्मा जरूर सुनना चाहिए। राम नाम अनंत हो गया,
राम नाम अनंत हो गया। रो, ये पत्थर की मूर्त नहीं है, हमारी आत्मा इनके अंदर आके हमें सब कुछ दर्शन दे देती है। तो महात्म्य क्या है दोस्तों, श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी अब पांचवें अध्याय का महात्म्य सुन। पिंगल नाम का एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले, देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां क्या करे, चुगली तो बहुत जरूरी है। चुगली सब खेलते हैं रात को अपने रिश्तेदारों के संग, चुगलियां क्या करे। इस प्रकार कुछ दिन गुजर गए और राजा की नौकरी करते हुए धनी हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी स्त्री विवचारणी आई। वह स्त्री को मारता था, जिसे दुखी होकर उसकी स्त्री ने उसे विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ समय बाद वह स्त्री भी मर गई, उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती मैंने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म ले पावे, इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहे कि तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रह्मचारिणी थी, एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वहाँ गिद्ध आया। उस गिद्ध ने तोती को पहचान लिया और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध, जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई थी, वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई, मतलब शुद्ध हो गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। इस प्रकार अधम देह छोड़कर देह पाई और विमानों में बैठकर बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी, जो नित्य ही गीता के पांचवें अध्याय का पाठ किया करती थी। वह परम पवित्र थी। उसके जल में वे दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे लक्ष्मी, यह गीता जी के पांचवें अध्याय का महात्म्य जो तुमने श्रवण किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ने गौरे मुरारी, में क्या हो जाता है रति देखूं किसी नागी, मेरे ही में क्या क्या होता है जब सूरत देखूं प्यारे की, सूरत देखो मन की, दिल में
देखूं।